किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्रायपाक। पंचायत सिगदी B2 जो शुड़िया का इलाका आता है वो करीबन उसके इलाके के अंदर 100 के करीब हाउस होल्ड है मगर आज भी सड़क से महरूम है। आज सुबह से ही एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है जो वहां के मकामी लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और उस वीडियो में वो बता रहे हैं कि हम जो है आने वाले इंतखाबात को यहाँ पर कोई भी इंतखाबात में पार्टिसिपेट नहीं करेगा यानी कोई वोट नहीं डालेगा, जिसके चलते हमने उस वीडियो पर पड़ताल की और हमने वहाँ के इलाके के लोगों से बात की, यहाँ फोन कॉल पर रब्ता किया और उस फोन कॉल पर रब्ता करने के बाद मालूम हुआ कि ये जो इलाका आता है, जो शुड़िया का इलाका आता है, जो सिगदी के अंदर आता है, ये मुगल मैदान से सिर्फ 7 किलोमीटर है। जब वहाँ के मकामी लोगों से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर और मुल्क के अलग अलग दिगर हिस्सों के अंदर जो है सड़कों का जाल बिछाया गया और ज़िला किश्तवाड़ की अगर हम बात की जाए तो किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतज़ामिया ने जगह जगह जहाँ पर मड़वा वर्ल्डवान ऐसे कहीं फार फ्लंग एरियाज हैं जहाँ सड़कों का जाल बिछाया गया, जहाँ आज लोग जो हैं वो सफ़र जो है वो आसानी से तय कर रहे हैं। उन्हें कहा कि जो मुगल मैदान का इलाका आता है वहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर की ये दूरी है जहाँ पर ये शुड़िया का इलाका आता है जहाँ पर 100 के करीब हाउस होल्ड है, आज भी वो 1947 के दौर से ही गुजर रहे हैं। उन्हें कहा अगर नेटवर्क सिस्टम की हम बात करें वो भी ना के बराबर है और खासकर रबता सड़क की अगर बात करें तो वो आज भी 1947 के दौर से ही गुजर रहे हैं। उन्हें कहा कि पार्लियामेंट्री इंतखाबात को लेकर जो है अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने कई बार जो यहाँ के लोग जो यहाँ से मिनिस्टर रहे MLAs रहे उन्होंने हमारा काम नहीं किया, उसके बाद गवर्नर इंतजामिया के हाथ में भी कमांड रही उन्होंने भी कई बार हमसे वादे तो किए, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे वादे तो किए मगर इस रास्ता सड़क पर काम शुरू नहीं किया गया, ना ही यहाँ की तरफ किसी ने ध्यान दिया। उन्हें कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की तरफ ध्यान देती है तो आने वाले इंतखाबात में हो सकता है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, अगर यहाँ के रास्ता सड़क पर इस रास्ता सड़क को न बनाया गया तो आने वाले इंतखाबात में जो असेंबली जो पार्लियामेंट इंतखाबात हैं उस पर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बिल्कुल देखा अगर जाए तो किश्तवाड़ ज़िला की अगर हम बात करें तो ऐसे ऐसे जगहों पर रास्ता सड़कें पहुँचाई गई, ऐसे ऐसे पहाड़ों को खोदा गया जहाँ पर नामुमकिन सी बात है वहाँ पर रास्ता सड़कों को पहुँचा दिया गया है मगर ये जो मुगल मैदान का हेडक्वार्टर है वहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पर शुड़िया का इलाका आता है जहाँ करीबन 100 के करीब हाउस होल्ड हैं जहाँ आज भी वो लोग नेटवर्क से महरूम हैं और बाकी जो रास्ता सड़कें हैं आज भी वो महरूम हैं। उन्हें कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो जो तालीमी निज़ाम से वहाँ से भी महरूम हैं क्योंकि जब यहाँ से सुबह बच्चे निकलते हैं तो स्कूल जो है वो छात्रों के इलाके अंदर पड़ता है, जब सुबह बच्चा यहाँ से निकलता है और शाम को 9 से 10 बजे के करीब जो है वो वापस अपने घर पहुँचता है, जो निज़ाम है तालीमी निज़ाम है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ा हुआ है। उन्हें कहा कि अगर बच्चे के पास रास्ता सड़क होती तो वो आराम से अपने घर से टाइम से जाता और टाइम से आता है मगर आज भी हम जो इलाका जो शुड़िया का सिगदी के अंदर जो इलाका पड़ता है उन्होंने कहा कि आज भी जितने भी इलाके के लोग हैं उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी लोगों ने सिर्फ वोट्स के लिए इस्तेमाल किया मगर हमारे लोगों का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात को लेकर जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन और मरकजी सरकार और गवर्नर इंतजामिया से खफा है, उन लोगों ने कहा कि यहाँ अगर इस रोड पर कोई नज़रसानी नहीं किए गए तो पार्लियामेंट इंतखाबात में लेकर जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना ही वोट डालेंगे, ना ही यहाँ की तरफ कोई पार्टी जो है क्या कोई रुख करें जो हमें वोट मांगेगी। क्या कुछ वहाँ मकामी लोग कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इलेक्शन बॉयकॉट, इलेक्शन बॉयकॉट। देखिए सर, हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ ब्लॉक मुगल मैदान पंचायत सिगदी B2 वार्ड नंबर 4 शिड़ी के रहने वाले हैं। हमारा इस टाइम यही मकसद है कि जमा होने का, हमें रोड की सख्त प्रॉब्लम है। अगर हमारे गांव में कोई बीमार होता है ना, कम से कम हमें 4 घंटे लगते हैं बीमार को कहीं पहुंचाने में, तब तक बीमार की डेथ ही हो जाती है। इसलिए हम जमा हुए हैं कि आज इलेक्शन भी आगे आने वाला है, हम लोगों ने यही मशवरा किया, हमने यही मशवरा किया है कि हम इस बार इलेक्शन बिल्कुल बायकॉट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें फायदा ही नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इलेक्शन बायकॉट। आदमी वोट देता है डेवलपमेंट के लिए, हमारे गांव में कोई डेवलपमेंट हुई नहीं, हम वोट किस लिए देंगे? इसलिए
हम तमाम जवानों ने मशवरा किया है, हम इस बार इलेक्शन बिल्कुल बायकॉट करेंगे। बिल्कुल तो आगे जुनैद साहब आपको कहेंगे इलेक्शन के बारे में। हम इलेक्शन के बारे में यही कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं कि जो टीम यहाँ के लिए आपने रखी है उसको कहीं और भेज दीजिए, यहाँ आपको आने का कोई फायदा नहीं। डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ जो टीम आपने भेजनी होगी उसको किश्तवाड़ में ही रखें, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो उनको छात्रों से उनका सामान उठा के लाते हैं। हम बिल्कुल बायकॉट करेंगे जब तक ना हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिले। हम पहले भी डीसी साहब के पास गए थे, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी हमारे बात पे कोई गौरव फिक्र नहीं किया। हम अभी तक तीन डीसी बदल गए किश्तवाड़ में, तीनों बार हम गए, दो दो बार हर किसी के पास गए हम। यहाँ से हम जाते हैं वहाँ, बोलते हैं कि हफ्ते का टाइम दे दो, हफ्ते के बाद आपका मसला हल हो जाएगा। आज तक 18 साल गुजर गए, मसला हल नहीं हो रहा है हमारा। आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? मेन प्रॉब्लम हमारी रोड है। रोड है तो जिंदगी है, खाली रोड, बस खाली रोड। जब रोड खोजते हैं, जब रोड आएगी हाँ उससे तो हम इंसानों में शामिल हो जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। हमें रोड के बाद हमारे है कि जो हम सब जवान इस वक्त जमा हो गए हैं, तो हमारा जो मसला है वो रोड का है। हमने बड़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की, डीसी ऑफिस में गए, डीसी ने 3-4 बार हमें बोला कि आपका रोड 8 दिन के बाद उसमें काम लगेगा, 10 दिन के बाद उसके बाद काम लगेगा। तो हमने वेट किया, हम रुके, हमने कहा कि जब डीसी साहब ने कहा तो कुछ ना कुछ तो होगा। यानी कि हमारा सरपंच साहब जो है उसने भी 1-2 बार हमें डीसी ऑफिस में लिया, उसने भी वहां से डीसी ऑफिस के साथ हमें वहां पे खड़ा किया। दो दिन से हम वहां पे बैठे थे, यानी कि हमें यहां से किश्तवाड़ 30 किलोमीटर दूर है, बड़ा लंबा सफर है, बड़ी मुश्किल से भी यहां से हम जाते हैं। कुछ लोग यहां से 7 किलोमीटर पहले नीचे जाना पड़ता है, फिर वहां से किश्तवाड़, फिर वहां से अप डाउन करना, फिर यहां बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने वहां पे बात की तो कोई मसला नहीं हुआ। अब मसला ये है कि हम लोग जो इस वक्त हैं बड़े मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इस दौर में, जबकि डिजिटल इंडिया है, दुनिया चांद पे पहुंच गई, चांद पे लोगों ने जमीनें ले ली, लेकिन हम लोग अभी भी 1996 की जिंदगी जी रहे हैं, उससे भी पीछे। हमारे इस वार्ड में अभी नेटवर्क नहीं है, यानी हम जो इस वक्त वीडियो बना रहे हैं यह हमें 10 मिनट दूर जाके अपलोड करनी है, कीमत है कि यानी यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, बिल्कुल जीरो। हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? यहाँ से हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल छात्रों में है, 7 किलोमीटर दूर है, जवान जवान लड़कियां यहाँ से पैदल जाती हैं, सुबह जाती हैं 10 बजे वहां से शाम को 9 बजे, क्या पढ़ेंगे वो? ना यहाँ पे नेटवर्क है, ना रोड है, ना कुछ है। 2-4 बार हमारे यहाँ पे वाका हुए, लोगों को सांपों ने काटा, मुश्किल से हमने उनको नीचे पहुंचाया। यानी कि ये एक शेम की बात है, 4 किलोमीटर रोड है, वो ना गवर्नमेंट बना रही है, ना कोई सरकार बना रही है, आखिरकार हम लोगों का गुनाह क्या है? इस वक्त हमारे साथ जो जवान है दरबदर है सारे, हम क्या करेंगे? ना हमें रोड है, ना कुछ है, हमारा कारोबार छात्रों में है, सब वहां पे एडजस्ट है। वहां से हम शाम को 6-7 बजे निकलते हैं, रात के 10-11 बजे हम अपने घरों में पहुंचे होते हैं, तब तक घर वाले सोए होते हैं दूसरे दिन। और यानी कि हम लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है, इतनी नाइंसाफी हो रही है कि कहने की कुछ बात नहीं है। हम लोग बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं, 400-500 रुपए हमें घोड़ा वाला वहां से यहां तक लेता है, यानी कि हमें अगर गाड़ी यहां पे होगी 30 रुपए में हमारा सामान यहां पहुंच जाएगा। इस वक्त हम 500 रुपए देकर अपना सामान यहां पे पहुंचा रहे हैं, और कितनी महंगाई है आज के दौर में, आप खुद सोचो हम किन किन मुश्किलों के साथ गुजर रहे हैं इस वक्त। हमारे बच्चे दरबदर, हम दरबदर, हमारा पूरा गांव दरबदर, यानी कि यहाँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हर कोई मसला हल होता है। हमारा मसला 7-8 साल से हम जा रहे हैं हर किसी के पास, चाहे वो मंत्री हो कोई हो, हम हर किसी के पास गए, आज तक हमने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन इस वक्त हमारे इससे पहले 2 डीसी किश्तवाड़ में बदल गए, उनके सामने भी हम गए, यानी कि ना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर रहे पा रही है, ना कोई सरकार कुछ पा रही है, लेकिन हम इस वक्त इस लोग जो पीस रहे हैं किस गुनाह में पीस रहे हैं? बिल्कुल। आया इलेक्शनों का दौर, हमने वोट भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हमारे साथ जो दावे किए जाते हैं वो भी नहीं। इस वक्त दुनिया है चांद पे पहुंची है, लेकिन हमारे गाँव में अभी भी रोड नहीं है। यानी कि इस बार हमारे यहाँ जो जुमा कायम हुआ तो हमारे लोग नमाज पढ़ रहे, नहीं तो हम नमाज भी नहीं पढ़ते थे।
हमें जाते ही नहीं थे, कौन जाता यहाँ से 10 किलोमीटर चल के जुमा पढ़ने। यानी इतना मुश्किलातों का सामना इस दौर में हम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया पता नहीं कहाँ पहुंची है। हम इतना परेशान हैं, यानी कि जैसा कोई बंदा अपने सुसाइड करने जाता है ना, ऐसा हम हर रोज सोचते हैं, हर रोज सोचते हैं हम सुसाइड करेंगे। तंग आ गए हम चल चल के, हमें 40-30-50-50 किलो सामान पीछे से उठा के लाना पड़ता है और फिर हम अपने गाँव में पहुँचते हैं। बिल्कुल, हमें इलेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, ना हम किसी को वोट करेंगे ना सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम जैसे जवान इस वक्त खजल हो रहे हैं, तो हमें क्या फायदा है चाहे कोई सरकार बने या ना बने। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारा थोड़ा सा भी ख्याल है तो हमारी आवाज़ इस वक्त पहुंचाओ, क्योंकि इस वक्त ना कोई सरकार है, ना कुछ है, गवर्नर राज चल रहा है। इसलिए हम लोगों की यही अपील रहेगी कि हमारा जो मसला है, इस मसले को कहीं ना कहीं पहुंचाओ, और हमारे पेज को जो भी इस वक्त देख रहे हैं वो शेयर करो, क्योंकि हम लोग बहुत तंग आ गए हैं। पूरी करो, इलेक्शन बॉयकॉट, इलेक्शन बॉयकॉट, इलेक्शन बॉयकॉट, पूरी करो। और हम इस वक्त किसी के प्रेशर से नहीं, हमारे को कोई प्रेशर नहीं है कि आप इलेक्शन बॉयकॉट करो। हम अपने दिल की खुशी से कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई फायदा नहीं है, इससे फायदा ही नहीं है। हमारे गांव में तरक्की नहीं हो रही है, क्या फायदा हमें किसी को वोट देकर, किसी का सहारा बन जाते हैं तो फिर हम जब अपने घर में आते हैं हमें रोटी तक नसीब नहीं होती यहाँ पे टाइम पे। इसलिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम उनसे माफी मांगेंगे अगर हमारा कुछ करोगे तो तब जाके इधर आना, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के साथ हम आपके साथ रुख्सत हो जाते हैं। अल्लाह।